हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके लिए एक इंडो चाइनीज स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है चिली गोभी। चिली गोभी और चिली मंचूरियन काफ़ी हद तक सिमिलर होता है और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का इसे हम बनाएं ये बहुत ईजी है। और आजकल तो गोभी का वैसे ही बहुत सीजन है, तो बनाइए और ट्राई कीजिए। तो चलिए झटपट से इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गोभी को बॉईल करना है, जिसके लिए एक पैन में डाल देंगे पानी 5 से 6 कप और इसके साथ ही 1 चम्मच डाल देंगे नमक का। और अब कटी हुई गोभी इसमें ऐड कर देंगे। नमक पानी में ज़रूर से डालिएगा ताकि जो गोभी के अंदर तक नमक है अच्छे से चला जाए। अब हमें इसे 70% तक कुक करना है, बॉईल करना है गोभी को। पूरा 100% इसे पकाना नहीं है, अगर ये बिल्कुल गल गई तो जो आपका गोभी चिली गोभी होगी बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो अब इस तरह से हल्का सा कट करके देखें नाइफ में, इसमें हल्का सा कच्चापन है। इसी स्टेज पर हम गैस का ऑफ कर देंगे और इसे स्ट्रेन कर लेंगे और एक बार ठंडे पानी से इसे हम निकाल लेंगे ताकि जो इसका कुकिंग प्रोसेस है वो बंद हो जाए। अब हमें क्या करना है, इसे मैंने स्ट्रेन करके इसे छान लिया था और थोड़ी देर इसे पानी निकालने के लिए रख दिया था। अब इस गोभी में डाल देंगे 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर यानी कि अरारोट, और इसके साथ ही डाल दिया यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मैदा के, और डाल देंगे नमक। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, टोस्ट कर लेंगे ताकि जो कॉर्नफ्लोर और मैदा है वो अच्छे से गोभी पर लग जाए। अब हमें इसे डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई करने के लिए तेल ऑलरेडी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे गोभी को। गोभी को हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है और जब ये इसका कलर चेंज हो जाए इसे हम निकाल लेंगे तेल में से। लेकिन इसे हमें डबल फ्राई करना है, एक बार निकालेंगे और एक दो मिनट के लिए हम इसे दोबारा से फ्राई कर लेंगे। इससे जो गोभी होगी, चिली गोभी बनेगी, बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, क्योंकि गोभी फ्राई होकर काफ़ी क्रिस्पी हो जाएगी 2 बार फ्राई करने से। अभी गोभी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे तेल में से बाहर निकाल लेंगे। अब हम लेंगे पैन और उसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच तेल के, और उसके साथ ही यहाँ पर मैं स्प्रिंग ऑनियन यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो हर जो दूसरा नॉर्मल प्याज होता है, आपके पास स्प्रिंग ऑनियन ना हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जाएगा प्याज। इसके साथ ही मैं यहाँ पर 1 चम्मच जिंजर और गार्लिक का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कटी हुई अदरक और लहसुन भी डाल सकते हैं। इसे डालकर हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1 शिमला मिर्च कटी हुई। शिमला मिर्च को बहुत बारीक नहीं काटना है, थोड़े मोटे पीसेस में कट करेंगे और इसे भी डालकर हम भून लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। जब भी आपका इंस्टेंट स्नैक खाने का मन करे तो आप झटपट से बनाइए और खाइए और खिलाइए सबको। इसके साथ यहाँ पर मैंने 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दी हैं। 1 चम्मच जाएगा इसमें सोया सॉस का, 1 चम्मच ही जाएगा इसमें विनेगर यानी कि सिरका, सफ़ेद वाला यूज़ किया है मैंने। और इसके साथ ही यहाँ पर 3 चम्मच मैंने टमाटो केचप डाल दी है। सारी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर चिली सॉस डाली थी जो स्किप हो गई है, आप उसे भी ज़रूर से डालिएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर ऐड कर देंगे फ्राई की हुई गोभी। अच्छे से मिलाएंगे और इसके साथ यहाँ पर डाल देना है कॉर्नफ्लोर का पानी यानी कि 2-3 चम्मच यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है और उसमें 1/2 कप डाल दिया है पानी का। मिक्स करेंगे और इसके डाल देंगे गोभी में। मैंने यहाँ पर नमक ऐड नहीं किया क्योंकि फ्राई करते हुए टाइम और बॉयल करते टाइम दोनों टाइम नमक डाला था, और जो सॉसेज डाली है सभी में नमक होता है, लेकिन आप बाद में चेक कर लीजिएगा, अगर आपको नमक कम लगे तो ही ऐड करिएगा। अब गोभी को अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्लेम हमें हाई ही रखनी है। हाई फ्लेम पर हम इसे मिक्स करेंगे और कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसमें ऐड कर देंगे स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन पार्ट बारीक कटा हुआ, आप चाहे तो इसमें हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। गर्मा गर्म चिली गोभी बनकर बिल्कुल तैयार है, इसे हम गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि इतनी टेस्टी लग रही है देखने में ही। तो आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा, अपने फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।